हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में कम्पिटिटिव वीडियो में बात करेंगे एचकेट। इन एचकेट के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। कंप्लीट ये फॉर्म भर के देखेंगे शुरू से लास्ट तक, कैसे कैसे क्या क्या डिटेल की जरूरत पड़ेगी और कैसे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर करेंसीज में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचकेट से रिलेटेड फॉर्म भरने से। ठीक है, ये फॉर्म भर के देखेंगे शुरू से लास्ट तक क्या क्या डिटेल की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, इस वीडियो में कम्प्लीट देखेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम गूगल की होम पेज पे ना डेस्कटॉप मोड पे यहां पर पहुंच गए हैं। सिर्फ आपको क्या टाइप करना होगा, यहां पर या तो फिर एचकेट लिख दें या फिर HBSC, ठीक है, इस तरह से टाइप कर दें, ये सर्च करें। जैसे हम यहां पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में इस तरह का स्क्रॉल बार कर देना, ये जो फर्स्ट साइट है इसको हम ओपन कर लेंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ठीक है, इसको जैसे ओपन करेंगे यहां पर मेन वेबसाइट की होम पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे यहां पर पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद में जैसे इस तरह के स्क्रॉल बार ऊपर का लेने, जैसे हम इसको ऊपर करेंगे आपको लिंक यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर का यहां पर नोटिस भी आ चुका है। ठीक है, आज है 17 सितंबर, स्टेट एग्जामिनेशन 2022, रजिस्ट्रेशन लाइव। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, स्टेट 2022 रजिस्ट्रेशन लाइव, जैसे यहां पर टाइप करेंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एचटेट की, सेम वही साइट आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखने को मिल रही है आपको, सेम ये वो साइट हमने ओपन कर ली है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एचटेट के लिए। ठीक है, आपको यहां पर नोटिफिकेशन के अनुसार सीरियल नंबर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर देख सकते हैं हरियाणा टेट 2022 स्टार्ट है 17 सितंबर, ठीक है, यानी लास्ट है 27 सितंबर तक, 10 दिन का टाइम दिया गया है। यहां पर करेंगे अप्लाई नाउ, जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे नया फॉर्म कैसे भर सकते हैं कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहां से रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड फिल करके, एंटर कैप्चा फिल करके साइन अप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल जाते हैं। वैलिड ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर चालू होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आपको पर्सनल डिटेल कंप्लीट फिल करनी होगी, आपको वैलिड फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर आपको उसमें अप्लीकेशन फॉर्म में लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी, फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड। तो गाइज, हम प्रोसीड कर देते हैं। जैसे प्रोसीड करेंगे, स्टेप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर इस तरह का इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट में क्या बताया, न्यू यूज़र, फिर बाद में क्या करेंगे, रजिस्टर लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं एग्जाइटिंग यूज़र, इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस सभी के चेक कर सकते हैं यहाँ पर अलग अलग। ठीक है, ये इस तरह का दिखा रखा है, डेमो दिखा रखा है, स्कोर पर कर देंगे। फीस भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ पर इसकी फ़ीस मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, ये तो यहाँ पर अलग अलग फ़ीस दिखा रखी है, SC कैंडिडेट और फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल के लिए यहाँ पर दिखा रखी है, सभी की अलग अलग फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको, अलग अलग फ़ीस दिखा रखी है, वन लेवल के लिए भी है अलग अलग। ठीक है, सभी की। तो गाइज, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे SC का जो कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए 500 रुपये का चालान लगेगा, दो सब्जेक्ट भरेगा तो 900 रुपये, तीन के लिए 1200 रुपये फी पेमेंट करनी होगी। इस तरह ऑल कैटेगरी हैंडीकैप डोमिसाइल के हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट के लिए एक्सेप्ट के लिए SC का है उसके लिए 1000 रुपये का, हरियाणा के अनुसार उसमें 1800 फिर 2400। इस तरह यहाँ पर आउटसाइड जो अदर स्टेट के हैं, चाहे हैंडीकैप हो चाहे SC हो, जो भी होगा उसका फ़ीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सेम फीस होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर स्क्रॉल बार ऊपर कर देंगे, ऊपर करने के बाद में ये जो यहाँ पर छोटा सा कॉलम है इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, इसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हरियाणा टेट 2022। ठीक है, आपको लेवल चूज करना होगा यहाँ पर, ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, आपको लेवल चूज करनी है कि आप कौन सी लेवल से अपना फॉर्म फिल करेंगे, PRT या TGT या फिर PGT, या मान लो आपको तीनों ही लेवल फिल करनी है तो तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, दो के करने हैं तो दो, या फिर एक करना है तो एक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हमें TGT का करना है तो TGT सेलेक्ट करेंगे, PGT करना है तो PGT करेंगे, PRT करना है तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी आपको गाइडलाइन भी देखने को मिल जाती है। PGT लेवल के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ओके कर देंगे फिर। ठीक है, PRT के लिए भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस तरह से। ठीक है, ये देखने के बाद में इस तरह से नेक्स्ट में ये आप कंप्लीट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ले सकते हैं। ठीक है, आप कौन से सब्जेक्ट से फिल करेंगे वो सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सेकंड लेवल का हो गया हमारा। ठीक है, थर्ड लेवल के लिए भी सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट से
एग्ज़ाम देना है उसी के अनुसार ये पी, ठीक है। और पीआरटी यानी जो फर्स्ट लेवल है आपका, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने जो सेकंड लेवल का फॉर्म भरेंगे, सेम सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तीनों का सेम ही फॉर्म होगा आपका, ठीक है। मैं यानी यहाँ पर ये लेवल हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक ही फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यानी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट से फिल करना है, होम साइंस पंजाबी यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके ना, सेकेंड लेवल से हिंदी का बनाया तो हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इस तरह। नेक्स्ट में स्कोप ऊपर करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर एजुकेशन, तो गाइज यहाँ पर एजुकेशन पूछेगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड है या क्या कर रखा है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बीएड, बीपीएड, डीपीएड, यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे आप सभी की शास्त्रीय विधि शिक्षा शास्त्री, ये भी इस तरह से ये भी चल जाएंगे आपकी, ठीक है। ये जो भी है आपको उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद इंस्टीट्यूट यानी गवर्नमेंट से या प्राइवेट कॉलेज से, कौन सी कॉलेज से है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कॉलेज गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कर देंगे, इंस्टीट्यूट के नाम यानी यहाँ पर आपका जो कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट आपका क्या रहा, जैसे पास है या विटेड है या पेयरिंग में है, वो यहाँ से सेलेक्ट हम कर लेंगे, पास है तो पास कर देंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग का, ठीक है। उसका बीएड का अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, फिर उसके बाद में एडमिशन ईयर आपका कौन सा एडमिशन ईयर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो आपका जो भी एडमिशन ईयर है, जब भी आपका जो सन है यहाँ पर टोटल आपको सन देखने को मिल जाएंगी, 2021 से यानी 2022 से पहले का एडमिशन होने से आपका 21 में होगा वो चलेगा, 20 का, 19 का, इसका पीछे का जो भी है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से स्क्रॉल बार ऊपर कर देंगे, यानी यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर ये पूछेगा इस डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको कैटेगरी पूछेगा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, यहाँ पर देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जनरल का है, एससी का, बीसीए और बीसीबी का, ये सिर्फ चार ही ऑप्शन दिखाए गए हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई भी ऑप्शन अभी तक नहीं डला है, शायद नहीं डलेगा, पिछले बार नहीं था। जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों सेम है तो ठीक है, जनरल करेंगे तो जनरल, एससी है तो एससी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। कैटेगरी है तो कैटेगरी चूज कर लेंगे, और यानी यहाँ पर पूछेगा होम डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, यानी आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है आपकी, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है यहाँ से कंप्लीट आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो अगली डिटेल है यहाँ पर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। उसके बाद में जेंडर, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप, जैसे मेल है, फीमेल, जेंडर, ट्रांसजेंडर जो भी हैं उसे भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एरिया टाइप आपका, एरिया टाइप का मतलब मैंने आपको बताया था पहले इस वीडियो पहले वीडियो में, ठीक है। जैसे आप रूरल से बिलोंग करते हो या अर्बन से, रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, अर्बन का मतलब होता है शहरी यानी सिटी से बिलोंग करते हो, सिटी से करते हो सिटी की चूज करें, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा इज फिजिकल हैंडीकैप, यदि फिजिकल हैंडीकैप हो तो यस करो वरना नो कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट में यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी आपको, यानी आपको स्टेट भी और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पिन कोड समेत, ठीक है। सेम आपका एड्रेस है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, सेम एज कर देंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर देख पाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी यहाँ पर आपको नंबर डालना है, आधार नंबर, पैन कार्ड या पासपोर्ट नंबर, इन तीनों में से एक ही को डाल सकते हैं, ठीक है, आधार नंबर बेटर रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट में यानी यहाँ पर इस कॉलम में आपको आधार नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आपका फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ में ये जो आपका कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कॉलम में आपको देखने को मिल रहा है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर कर लेते हैं हम किसी भी एक नेट को, फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर मैं आपको इसमें अगली प्रोसेस होगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में। तो गाइस जैसे हम रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर देंगे, इस तरह का एक टेक्स्ट मैसेज आपके सामने ओपन हो जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म डियर कैरियर, मैंने अपने जो चैनल के नाम से फॉर्म फिल किया है डेमो बेस पे कम्प्लीटली, ठीक है, हरियाणा एस्टेट के लिए, ठीक है। यानी आपको इसमें टेक्स्ट मैसेज में आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, लास्ट के दो डिजिट होंगे, ठीक है, वो यानी आपके जो पासवर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका अलग होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी पासवर्ड हमारा, ठीक है। आपको कंप्लीट करना होगा 27 सितंबर से पहले पहले, ठीक है। यानी इसमें सेकंड स्टेप है आपका अपलोड इमेज यानी अपलोड फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट में बात करेंगे तीन नंबर स्टेप है, मेक पेमेंट,
चार नंबर पे हम क्या करेंगे, प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल लेंगे कंफर्मेशन वाला, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड, यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है। ये जो नंबर है आपके पास, ये टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, या फिर नहीं है आपके पास आता है तो ये नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लें अपने मोबाइल से, इस तरह का दिखा देगा इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम प्रोसीड कर देंगे। तो गाइस हमने प्रोसीड भी कर दिया। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी, वो टैब ओपन हो जाने के बाद में आपको दिखा दूंगा इसमें क्या दिखाएगा, ठीक है। हम शुरू से लाइव फॉर्म भरें अपना, जैसे यहाँ पर करेंगे ये लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाता है हमारा, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने वेलकम यानी आपका नाम लिखा देखने मिल जाएगा, यहाँ पर करियर का नाम है अपना, ठीक है, चैनल के नाम से यहाँ पर आपका नाम लिखा देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में क्या करेंगे, अपलोड इमेज करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे, फिर प्रिंट कन्फर्मेशन प्रिंट निकाल लेंगे। इस तरह स्क्रोल अप पर करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है आपको। ये डिटेल आप इस तरह से फॉलो करने के बाद चेक कर सकते हैं, यानी इस तरह से देख पा रहे हैं कम्प्लीटली। आपका आधार नंबर वगैरह सभी शो कर देगा, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ पर क्या मिलेगी, प्रोसीड टू सेकेंड स्टेप, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर शुड बी ब्लैक एंड ब्लू कलर में होनी चाहिए आपके। अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन विद ब्लैक और ब्लू कलर में, ठीक है, आपका थंब इम्प्रेशन भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। आपकी फ़ोटो इस तरह की होनी चाहिए, सैम्पल पेज पे चेक कर सकते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको चूज अपलोड फ़ोटो करनी होगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, सिग्नेचर इस तरह सैम्पल दिखा रखा है, यहाँ से चूज फाइल्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में थंब इम्प्रेशन इस तरह का सैंपल है, यहाँ से चूज कर लेंगे। तो फोटो की जो केबी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कितने केबी दिखा रखी है, केबी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज आपकी फ़ोटो की जो साइज़ है केबी में वो 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर जो साइज़ है इसको दायरा कर देता हूँ, 50 से 100 केबी बीच में साइज़ होनी है फ़ोटो की। सिग्नेचर भी इसी तरह आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 20 से 100 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें थंब इम्प्रेशन, यानी यहाँ पर 200 dpi में होना चाहिए, बिल्कुल साफ अच्छे बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए आपके थंब इम्प्रेशन, ठीक है। ये चल जाएगा आपका, 20 केबी से ऊपर का होगा तो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोसीड टू थर्ड स्टेप, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे। तो इससे पहले मैं अपने जो फ़ोटो सिग्नेचर वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, फोटो जो सिग्नेचर वो अपलोड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फोटो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, डेमो के बेस पे। यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन था, सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इस तरह से अपलोड करना आपको, इस तरह से थंब इम्प्रेशन है अपना, थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ये करने के बाद में क्या करेंगे, प्रोसीड टू स्टेप थर्ड, ठीक है, प्रोसीड टू थर्ड स्टेप हम कर देते हैं। जैसे हमने प्रोसीड किया उसके बाद में इस तरह से स्क्रॉल बार ऊपर करना, करने के बाद में, ठीक है, इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो बैंक के नाम है यहाँ पर, पे विद IDBI बैंक, पे विद ICICI बैंक, पे विद HDFC बैंक, इनमें से किसी पे आप टाइप करना, किसी भी एक को ओपन करना, उसी से हम पेमेंट भी कर सकते हैं। हम किसी से भी करेंगे, जैसे HDFC से करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, कन्फर्मेशन, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज, ठीक है, चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने बैंक पेमेंट के लिए, कन्फर्म कर देंगे यहाँ से। जैसे हमने कन्फर्म किया आपके सामने एक नई टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह की टैब ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से देखने के बाद में फीस भी आपको यहाँ पर शो कर देगा 1000 रुपये। यहाँ पर आपको जो कार्ड है वो उस कार्ड को चूज करना है, ठीक है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी कार्ड है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे डेबिट कार्ड है तो मैंने डेबिट कार्ड कर लिया। ये करने के बाद में यानी यहाँ पर आपको कार्ड नंबर फिल करना होगा आपका, ठीक है, 16 डिजिट का। उसके बाद में एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिल कर देंगे, CVV नंबर, आपके जो ATM कार्ड के बैक साइड में, ठीक है, 3 डिजिट का जो CVV नंबर होता है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जो नाम फिल करना है आपके कार्ड में या अपने अकाउंट में, किस नाम से आपका अकाउंट है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर I am a robot, ठीक है, यहाँ पर टाइप कर देंगे। ये ऑटोमेटिक गुड हो जाता है यहाँ पर, जैसे गुड हो जाएगा वो कंप्लीट फिल करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद में आपके जो ATM कार्ड है अपने अकाउंट में, जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP वहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने बाद में उसके बाद फिर हमें ऑटोमेटिकली ये होम पेज पर पहुँच जाएगा,
यदि नहीं पहुंचेगा तो हम इसको दोबारा से लॉगिन कर लेंगे, फिर उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल लेंगे या फिर अपना उसका प्रिंट आउट को कन्फर्मेशन को डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे, कहीं भी स्क्रीनशॉट न लें क्योंकि आपको प्रिंट आउट की सख्त ज़रूरत पड़ेगी जब आपका एग्ज़ाम होगा तब, ठीक है। तो गए जैसे मैंने अपने पेमेंट करने के बाद में दोबारा से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने लॉगिन भी कर लिया, लॉगिन करने के बाद बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन, ठीक है, वो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया था। और इसका लिंक है जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अपना डायरेक्ट लिंक भी ओपन कर सकते हैं आप, वहाँ से बिल्कुल भी जैसे मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।